आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे में झांसी प्रशासन के खुले दिल से तारीफ की। सीएम योगी ने कहा कि मैं देर रात मेडिकल कॉलेज के सामने रैन बसेरा का जायजा लेने पहुंचा। इस निरीक्षण के बारे में पहले से कोई सूचना नहीं थी। औचक निरीक्षण में सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद मिली। हर आयु वर्ग का व्यक्ति रैन बसेरे में आराम से रहते मिला। साफ सफाई, ठंड से बचने के लिए कंबल, सभी चीजें जरूरतमंद लोगों को दी गई थी, जिसके लिए नगर निगम और झांसी प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। सीएम योगी ने रैन बसेरे की व्यवस्थाओं से प्रेरणा लेने की बात कही। ऐसी व्यवस्थाएं मेडिकल कॉलेज में और बेहतर इलाज मुहैया करा सकती हैं। सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर के मन में संवेदना होना बेहद जरूरी है। हर व्यक्ति की अवस्था नहीं होती कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाकर महंगा इलाज कराए। मरीज से उसका हालचाल अपने पन से पूछ लिया जाए तो उसकी आधी बीमारी दूर हो जाती है। मरीज जो भरोसा अपने मन में लेकर आते हैं, हम उसे विश्वास पर खरा उतरना है। बुंदेलखंड आने वाले समय में विकास के नए कीर्तिमान को छूने को तत्पर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और डिफेंस कॉरिडोर बनने के बाद लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या के निस्तारण के लिए पूरे बुंदेलखंड में लगभग 9000 करोड़ रुपए की योजना पर काम चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन वास्तव में स्वस्थ भारत मिशन का रूप है। हम भी अपने स्तर पर इस बड़े अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। आप सबको अपने आप को तैयार करना होगा। बुंदेलखंड की एक बड़ी आबादी के बैकबोन के रूप में इस मेडिकल कॉलेज की अपनी एक बड़ी भूमिका है। और मैं कल रात्रि को देख रहा जब मैं रात्रि को 11 बजे रेल बसेरे में देख रहा था, तो मैं पूछ रहा था लोगों से कहां से आया, कोई महोबा से आया है, कोई हमीरपुर से आया है, कोई चित्रकूट से आया है, कोई मध्यप्रदेश से उस पेशेंट हुए। और सभी ज्यादातर इस मेडिकल कॉलेज में तो चार बता रहे थे या डॉक्टर को दिखाने के लिए आए थे। उस विश्वास पर खड़ा करना ये हम सबका दायित्व है। बुंदेलखंड आने वाले समय में विकास के एक नए विमान को छूने के लिए उत्सुक रहेगा। और हम लोगों ने इसीलिए जब मैं पहली मीटिंग में मुख्यमंत्री करने के बाद बुंदेलखंड आया था, तो मैंने इस बात को कहा स्वास्थ्य की सुविधाओं के साथ ही बुंदेलखंड के आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर हम लोगों ने यहाँ पर एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड की इकोनॉमी की बैकबोन बनने जा रही है। बुंदेलखंड में एक्सप्रेस वे बनने के बाद यहाँ पर लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार की नई संभावनाओं के साथ बनने जा रहा है। एक नया औद्योगिक गलियारा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना किसी एक्सप्रेस वे के दोनों को विकसित करने की कार्रवाई को अपनी मंजूरी दी है। और मुझे लगता है कि इसी महीने में या अगले महीने में हम इसका शिलान्यास की कार्रवाई को पूरा करने के बारे में है। स्वच्छ भारत मिशन में सामान्य साफ सफाई के साथ ही खुले में शौच से मुक्ति कार्यक्रम